अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने स्टडी किया मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर के टाइप स्टडी करी, एडवांटेजेस स्टडी करे, डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया, मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करना सीखा। इसमें हम स्टडी करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर क्या है। स्टार्ट करते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर एट अ टाइम एक इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग, डी मल्टीप्लेक्सर एट अ टाइम एक इनपुट को डील करता है और मल्टीपल आउटपुट ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। जबकि मल्टीप्लेक्सर में आप मल्टीपल इनपुट एट अ टाइम लेते थे और एक आउटपुट प्रोड्यूस करते थे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर। डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, आप एक वक्त में एक इनपुट लेंगे बट मल्टीपल आउटपुट को जनरेट करेंगे। सो इन अ शॉर्ट वर्ड, इन अ सिंपल वर्ड, वी कैन से इट इज़ द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ओके, here is mentioned a DMUX is a digital switch with a single input source. It's mean it has a single source and a multiple output means it has multiple destinations. The select lines determine which output the input is connected to. Okay, इसमें भी selected lines हैं जबकि multiplexer में भी हमारे पास selected lines थी। तो the selected line का मकसद क्या है, selected lines जो हैं वो determine करेंगी क्या विच आउटपुट द इनपुट इज कनेक्टेड। ओके, सो बड़ा सिंपल सी इसकी स्ट्रेटेजी है। डी मल्टीप्लेक्सर एट अ टाइम एक इनपुट लेता है, मल्टीपल आउटपुट प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम सिलेक्टेड लाइंस। हियर इज अगेन वन मोर डेफिनेशन, अ डी मल्टीप्लेक्सर डीमक्स बेसिकली रिवर्सेस द मल्टीप्लेक्सिंग फंक्शंस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये रिवर्स है मल्टीप्लेक्सर का। इट टेक्स डेटा फ्रॉम वन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम टू अ गिवन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स। एक लाइन इनपुट लेता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल आउटपुट लाइंस। फॉर दिस रीजन द मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। हियर इज अगेन मेंशन सिंगल डेटा इनपुट लाइंस, सिलेक्ट लाइंस, आपकी लाइंस जो है वो लेस देन होनी चाहिए आपकी किससे, आपकी आउटपुट लाइंस से। ओके, आपकी सिलेक्टेड लाइंस शुड बी लेस देन योर आउटपुट लाइंस। हियर आर सेवरल आउटपुट लाइंस। तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है डी मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करने की। एक इनपुट लाइन लेगा और मल्टीपल आउटपुट लाइंस क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो वी कैन से इट इज आल्सो अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, डी मल्टीप्लेक्सर आल्सो नोन एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। अगेन जो हमने प्रीवियस मल्टीप्लेक्सर में फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला यहीं पे यूज करना है। 2m इज इक्वल टू n, n इज योर डेटा आउटपुट लाइंस एंड m इज योर सिलेक्टेड लाइंस। फॉर एग्जाम्पल अगर m 1 है, इट्स मीन आपकी सिलेक्टेड लाइंस 1 है, तो 2 की पावर 1 मरी 2 और आपकी डेटा आउटपुट लाइंस कितनी हो जाएंगी, 2। अगर m आपका 2 है, डेट्स मीन 2 की पावर 2 4, डेट्स मीन आपका n क्या बनेगा, 4 आउटपुट लाइंस आपकी प्रोड्यूस होंगी। तो m क्या है आपकी सिलेक्टेड लाइंस है जबकि n क्या है आपकी आउटपुट लाइंस है। हियर इज फंक्शनल डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम है डेटा डी मल्टीप्लेक्सर की। डी मल्टीप्लेक्सर एट अ टाइम एक इनपुट लिया और ब्रॉडकास्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट किए मल्टीपल आउटपुट्स डेस्टिनेशन। ओके, जबकि मल्टीप्लेक्सर रिवर्स था, वो मल्टीपल इनपुट यहाँ लेता था और ब्रॉडकास्ट करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, एक इनपुट देता था, जबकि डी मल्टीप्लेक्सर ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे मल्टीपल इनपुट्स, लेकिन उसने लिए कितने हैं, एक ही इनपुट लिया है, सॉरी मल्टीपल आउटपुट प्रोड्यूस करें एक इनपुट लेके, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सम सिलेक्टेड लाइंस, लेट्स सी सम एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। यू कैन सी हियर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इफ यू कैन अंडरस्टैंड। सिंगल सोर्स है हमारे पास, कंप्यूटर है यहाँ पे, एक डेस्कटॉप, कुछ सिलेक्टेड लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेड लाइंस में देखें क्या क्या लिखा हुआ है, पेन प्लॉटर, कलर इनपुट, इंजेक्ट प्रिंटर, फैक्स मशीन, BW लेजर प्रिंटर, सिलेक्शन, डेस्टिनेशन, ठीक है। तो एक इनपुट लिया है कंप्यूटर ने, कंप्यूटर एट अ टाइम देखें मल्टीपल डेस्टिनेशन पे काम परफॉर्म कर रहा है। कंप्यूटर पेन प्लॉटर पे भी कनेक्ट हुआ हुआ है एट अ टाइम, कंप्यूटर कलर इंजेक्ट प्रिंटर पे भी कनेक्ट हुआ हुआ है, यूनिवर्सिटी में मेरा कंप्यूटर भी मल्टीपल कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर भी मेरे अपने ऑफिस का मल्टीपल डेस्टिनेशन पे कनेक्ट था और एट अ टाइम पे मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको यही बता रहे हैं कि आपका जो कंप्यूटर है सिंगल सोर्स एट अ टाइम और मल्टीपल डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है, आपको एट अ टाइम वो मल्टीपल आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है, तो इट्स अमेजिंग। ओके, सी टाइप्स ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर
की टाइप्स देखें, 1 to 2 हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, 1 to 4, 1 to 8, 1 to 16 एंड मैनी अदर्स। 1 to 2 सिलेक्टर में, 1 to 2 में आपकी 1 इनपुट है आपके डॉट, 2 आउटपुट लाइन्स हैं, 1 इनपुट 4 आउटपुट लाइन्स, 1 इनपुट 8 आउटपुट लाइन्स, ठीक है, 1 इनपुट 16 आउटपुट लाइन्स, बट वी हैव 4 सिलेक्शन लाइन्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। डी मल्टीप्लेक्सर ऐसे बनेगा, जबकि मल्टीप्लेक्सर आपका 2 to 1 था, 4 to 1 था, 8 to 1 था, और डी मक्स क्या है उसका रिवर्स है, 1 to 2, 1 to 4। इस 1 का मतलब है इनपुट और इस 2 का मतलब है आउटपुट, इनपुट आउटपुट, अगेन इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, एंड दीज आर योर सिलेक्टेड लाइन्स, इट्स योर डेटा सिलेक्टर। डिजाइन करते हैं कोई एक मल्टीप्लेक्सर, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करते हैं, सॉरी 1 to 2। सबसे पहले बनाते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम। देखिए इसकी ब्लॉक डायग्राम कैसे बनती है, ये आपका आ गया डीमक्स, ये आपके आ गए 2 सिलेक्टर एस नोट एस वन, ये आपका आ गया 1 इनपुट आई, सपोज ये आपका आई है, आपका इनपुट है, एंड दीज आर योर आउटपुट लाइंस। आउटपुट लाइंस कितनी होनी चाहिए आपकी, 2 होनी चाहिए, तो यहाँ कह देते हैं आउटपुट लाइन ओ वन और ये आपकी आउटपुट लाइन आ गई ओ टू। तो ये आपका बन गया 1 to 2 डी मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, एम इक्वल टू 2n, डेट्स मीन एम यू हैव टू सिलेक्टर, यू हैव 1, सॉरी इधर मैंने 2 बना दिए, इधर 1 आना चाहिए था, क्योंकि ये 2 to 1 है तो एक ही इसमें सिलेक्टर लगेगा, ये आपका आ गया 1 सिलेक्टर, एस कहते हैं आप इसको, तो आपका सिलेक्टर कितने थे, 1 थे, तो 2 की पावर 1 क्या बनी आपकी, 1 इज इक्वल टू 2। इट्स मीन दिस इज योर सिलेक्टर एंड दिस इज योर आउटपुट लाइन। तो देखें आउटपुट लाइन्स O1 O2 2 मिली है, जबकि आपका सिलेक्टर क्या है, 1 ही है। यहाँ मैंने गलती से 2 सिलेक्टर बना दिए थे, सिलेक्टर 1 ही होगा। ओके, तो ये आपकी बन गई ब्लॉक डायग्राम। नाउ आई एम डिजाइनिंग ट्रुथ टेबल। सी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा इसका, यहाँ आपका आ गया एस, यहाँ आपका आ गया आई, और यहाँ आप कहते हैं आपका है आउटपुट। आपको पता है आउटपुट में आपके पास O1 मिलेगा आपको, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। ओके अच्छा, एस की आपको पता है सिलेक्टर, आपके 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके सिलेक्टर के, तो 0 बनेंगे या तो 1 बनेगा, जबकि आपको पता है इनपुट 1 ही पास होगा, तो इनपुट 0 तो होने से रहा, तो आप यहाँ पे 1 1 कर दें, क्योंकि इनपुट हमेशा ऑन ही पास होगा। ठीक है, तो यह आपका बन गया ट्रुथ टेबल। अगर आप इसकी लॉजिक डायग्राम बनाएंगे तो इट्स वेरी इजी, आप इसका लॉजिक सर्किट बना लें। लॉजिक सर्किट में आपको पता है आपके पास 2 आउटपुट प्रोड्यूस होने हैं, एक O1 प्रोड्यूस होना है, दूसरा कौन सा प्रोड्यूस होना है आपको, आपके पास O2, ये आ गया O2। ठीक है, यहाँ से आप I का इनपुट लगा दें, आपको पता है I का इनपुट O1 के पास भी होना चाहिए और O2 के पास भी होना चाहिए। यहाँ से आपकी सिलेक्टर लाइन है, सिलेक्टर लाइन एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट है, जब O1 के पास आएगा सिलेक्टर तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा आई एस कॉम्प्लीमेंट, तब किसके पास आएगा, O1 के पास आएगा। जब O2 के पास आएगा तो आई एस सिंपल आएगा, क्योंकि उस पर 1 है, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो हम अभी O1 के पास पास कर देते हैं, तो डेट्स में नहीं आ गया आपका O1 के पास आपका वायर। अब O2 के पास सिंपल सा आप विदाउट कॉम्प्लीमेंट इसको पास कर दें, तो यह आपका आ गया O2 के पास। यह आपकी बन गई लॉजिक डायग्राम किसकी, 1 to 2 मल्टीप्लेक्सर की। आई होप यू लाइक द वीडियो।